बूंदी में लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बूंदी के नवल सागर और जय सागर में पानी की आवक होने से चलते गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। निकासी से सड़कों और मकानों में 2 से 4 फीट पानी भर गया। तहसीलदार अर्जुन लाल मीणा ने बताया कि सागर में पानी की आवक को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से दोनों झीलों के गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। पर 24 घंटों में 190 mm बारिश हुई है, जिसके कारण नवल सागर जयसागर के ओवरफ्लो पानी को गैर निकाला जा रहा है। ओवरफ्लो पानी से महावीर कॉलोनी, बहादुर सिंह सर्किल, पुलिस लाइन, ये रास्ते में करीब 2-3 फीट पानी चल रहा है। जो संभावना बारिश हो गई है तो जल्दी उतर जाएगा। बारिश के पानी में तालाब का विभाग भी कुछ नहीं करता है। पानी की भी समस्या है, पीने का पानी नहीं है, खान भोजन बनाने की रसोईयों में पानी भर गया और सामान भीग गए, पूरे फ्रिज भीग गए, तर गए, सब ऊपर छतों पे बैठे हुए आदमी हैं, कहाँ खाए कहाँ सोए बैठे हैं। रात के 2 बजे पानी भर गया पूरे मकान में। अब पलंग पर तो बैठे था दोनी, फिर रात की 2 बजे अड्डा पड़ गया। 2 बजे भी बैठे रहेगा का मनक। हाँ, अब ये तो पहले सोचना करे ना भाई, माँ गेट खोल रहा था तो माँ सामान आने ये मल्ला। अब रात की 2 बजे गेट खुले जी, दोनों फ्रिज अड्डा पड़ गया, वॉशिंग मशीन बीत गई, माँ डूब गया, ये पलंग डूब गया, हर साल माँ का नुकसान हो जी को। एक साथ ही छोटे तालाब के बड़े तालाब के एक साथ गेट खोल दे, इससे परेशान हो गए। समस्या तो यही है, बस बैठने की जगह नहीं है, ना खाने की ना कुछ। पर सर कम से कम देख लो, अंदर जाओ तो 6-7 फुट, 6-7 फुट है मेरा तो ऊंडा कमरा, तो बाहर तो कम से कम 3-4 फुट है।